हाँ तो एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई साहब आज अपन सुबह ऐसे ही लेटे हुए थे, अपने को कॉल आया कॉलेज से कि भाई साहब तुम लोगों ने अभी तक चेक जमा नहीं करे। तो अपन उठाते हैं अपने एक दोस्त को, निकल जाते हैं भोपाल की ओर। हाँ तो अभी अपन रास्ते में है, तब तक के लिए मजे लो नजारों कर, भोपाल पहुंच के मिलते हैं। तो फिर इसी के साथ पहुंच जाते हैं हम हमारे कॉलेज IES यूनिवर्सिटी। तो भाई साहब ऐसे ही अपन थोड़ा सा काम करते हैं, अपने पैर में चोट थी तो गाड़ी अंदर अलाउ कर दी थी, वैसे गाड़ी अंदर अलाउ नहीं होती है। और ये हमारे अभिषेक भाई गलती से गर्ल्स वॉशरूम में घुस गए थे अभी, लेकिन फिर बॉयज वॉशरूम में इनको भेज दिया गया था। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कॉलेज से बाहर, और उसके बाद अभिषेक भाई बताते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स। अडिब्बी भाई क्या बोल रहे थे? पाड़ ले जो मेरा पाड़ सके, यो खड़ा तेरा भाई, पाड़ ले जो पाड़ सके। इन्हें वैसे याद आपके सच्चे और पक्के, इन्हें वैसे याद आपके सच्चे और पक्के फैन। ताज होटल चला? ताज होटल भाई साहब मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन मैं जिंदगी सफोर हो जाऊंगा। क्यों? उस दिन बढ़िया खाना खाएंगे दवा के और ऊपर जाकर और कूद जाएंगे। अच्छा बिल वाले बिना बंदी को ले जाएंगे साथ। फिलहाल अभी तो बंदी है नहीं, चलो घर चलती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसी ही थोड़ी और बकैती पेलते हुए हम निकल गए घर की ओर। और हाँ इस बीच कॉलेज दिखाने का तो वक्त ही नहीं मिला, तो ये देखो ये है मेरा कॉलेज। थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए ये एक्सीडेंटल कार के पास, और अभिषेक भाई का प्लान बनने लगा कि इसको घर पे लेके जाऊंगा, गाय बांधेंगे इसमें। थोड़ी ही और देर कार के पास रुकने के बाद और जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना घटी हुई उसका अंदाजा लगाने के बाद हम वहां से चल दिए। हम थोड़ा ही चले थे और फिर अभिषेक के दिमाग में आता है कि चलो आज कुछ दूफानी करते हैं। जो सीधा खड़ा हुआ रोड है जहाँ से कुत्ते भी नहीं उतरते, वहां से अपन गाड़ी उतारेंगे। बिल्कुल खड़ा रोड है गाइस, बोला चलो गाइस, मां चुनने में देर नहीं लगेगी। गाली मिलते ही है कहाँ तक खड़ो रोई गाड़ो भाई तक टूटो भी बीच में बंद कर लूँ गाड़ी। अरे नहीं बंद मत कर ले, न्यूट्रल कर कर। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही खड़ी रोड है और बारिश का टाइम है, फिसल के गिरने वाले हैं। लाइव एक्सीडेंट देखेंगे गाइस आप। हाँ तो जो ये सामने बाइक लगी हुई है, ये लोग बेचारे भटक गए थे जंगल में, इन ये ढूंढ रहे थे वाटरफॉल, और वाटरफॉल यहाँ आसपास है नहीं, वाटरफॉल है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो इनको सही रास्ता दिखाते हैं, इन्होंने रोक के हमसे रास्ता पूछा, इनको सही रास्ता दिखाते हैं, चलते हैं अपने घर। हाँ तो फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।